हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हायर एजुकेशन। मैं हूँ रितु शुक्ला, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बीबीए का जो आंसर की आया है उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस हम लोगों ने देखा था कि कुछ डाउट्स थे बच्चों को कि आंसर की के क्वेश्चंस गलत हैं, तो आज हम लोग देखते हैं कि क्या बीबीए के कितने क्वेश्चंस गलत थे और कितने क्वेश्चंस सही थे, या कोई क्वेश्चन गलत था भी या नहीं। तो जिन लोगों को डाउट्स हैं वो लोग आज अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आज इंग्लिश और रीजनिंग को डिस्कस करने वाली हूँ, तो आप लोग भी अपने आंसर की से अपने आंसर मैच कर लीजिएगा, सो दैट आप कंफर्म हो जाएं कि क्या आप लोगों ने सही किया और क्या गलत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे पास एक फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या है ये, टू एव इज डैश टू फॉरगिव इज डिवाइन। इनके कहने का मतलब क्या है कि आपको ये एक सेंटेंस गिवन है, इसमें आपको एक ब्लैंक गिवन है और इस ब्लैंक स्पेस में आपको एक वर्ड फिल करना है। तो ये एक idiom है, टू err इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि गलती करना मनुष्यों का काम है और क्षमा कौन करता है, क्षमा करना भगवान का काम है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। आंसर की में भी आपका आंसर ऑप्शन डी ही था जो कि राइट है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट इडियम, व्हेन माय डैड बॉट मी अ कंप्यूटर आई वॉज ऑन क्लाउड, ठीक है। अब आपको बताना ये है कि क्लाउड के बाद क्या आएगा, 5, 9, 2, 7, तो क्लाउड 9 एक idiom होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा जो कि 9 है, क्लाउड 9। मतलब मेरे पापा ने जब मेरे लिए कंप्यूटर खरीदा मैं बहुत खुश था, एक्साइटेड था या एक्साइटेड थी, क्लाउड 9 का मतलब यही होता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है जो कि आंसर की में भी है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि चेंज द वर्ड बोल्ड इनटू अ वर्ब। अब बोल्ड को आपको चेंज करना है किसमें, वर्ब में। तो देखिए बोल्डली, जिन वर्ड्स के लास्ट में एल वाई लगा होता है वो क्या होते हैं, वो होते हैं एडवर्ब। तो पहला तो आपका जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। फिर चलते हैं बोल्डनेस, बोल्डनेस क्या है, बोल्डनेस भी वर्ब नहीं है, ठीक है। इम्बोल्डन और बोल्डर, बोल्डर भी वर्ब नहीं है, इम्बोल्डन, इम्बोल्डन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कि आप किसी को ब्रेव बनने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि चूज द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ फॉर द गिवन idiom। एक idiom दिया गया है जिसका मतलब है अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक है, इसका आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि रिटेनिंग इनकंसिस्टेंसीज ऑफ एन अर्लियर ऑर्डर। दूसरा कहता है समवन हु इज वेरी सिमिलर इन कैरेक्टर टू देयर फादर और मदर। तीसरा है प्रेजेंटिंग नथिंग नॉवेल और क्रिएटिव। फोर्थ ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बीइंग ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल। देखिए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है कि आप अपने माँ और पापा के कैरेक्टर्स से बिल्कुल सिमिलर हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आंसर की में भी हमें ऑप्शन बी ही दिख रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सही है, जिन लोगों ने बी ऑप्शन मार्क किया होगा उन्हें डेफिनेटली मार्क्स जरूर मिलेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर कहा जा रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड इंटेंशनल। अब इंटेंशनल क्या होता है, इंटेंशनल होता है जानबूझकर, मतलब सोच समझकर जानबूझकर जब कोई काम किया जाता है तो वो इंटेंशनली या कहलाता है कि आपने जानबूझकर ऐसा काम किया है। तो देखिए आपको इंटेंशनल का एंटोनिम्स बताना है, एंटोनिम्स यानी कि आपको इंटेंशनल का ऑपोजिट वर्ड बताना है। तो जानबूझकर, आप देखिए ऑप्शन ए में कहा जा रहा है डेलिबरेट, ठीक है, डेलिबरेट इज ऑल्सो जानबूझकर, मतलब इंटेंशनल का सिनोनिम है डेलिबरेट, जो कि नहीं होगा। फिर
एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल का मतलब है कि कोई काम अचानक से हो जाए, ठीक है, जानबूझकर नहीं किया गया, बस हो गया। फिर थर्ड कहा जा रहा है पर्पसफुल, पर्पसफुल भी हो गया जानबूझकर, कैप्रिशियस भी नहीं आएगा। तो हमें ऑप्शन बी हमारा आंसर मिल चुका था, ये हो गया आपका एक्सीडेंटल। तो इंटेंशनल का ऑपोजिट यानी कि एंटोनिम्स हो गया एक्सीडेंटल। इंटेंशनल यानी आप कोई काम जानबूझकर कर रहे हैं, और एक्सीडेंटल यानी कि संयोग बस बस हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस कोलकाता इज एन ओल्ड सिटी। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है ओल्ड, ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। देखिए ओल्ड क्या है, ओल्ड एक एडजेक्टिव है, क्योंकि हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है कि कोलकाता क्या है, कोलकाता एक पुरानी सिटी है, यानी कि इस कोलकाता सिटी की यहाँ पर इन्होंने क्वालिटी बताई है, ठीक है। और एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव आपकी क्वालिटी डिफाइन करते हैं। तो कोलकाता कैसी सिटी है, कोलकाता ओल्ड सिटी है, इसलिए यहाँ पर ये जो ओल्ड है ये क्या बन गया, ये बन गया है एडजेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, की में भी आपका आंसर सी ही है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सजेस्टेड सिलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन द पैसिव और एक्टिव वॉइस। तो देखिए क्या कह रहे हैं, द बर्गलर डिस्ट्रॉयड सेवरल आइटम्स इन द रूम, इवन द कारपेट हैज बीन टॉर्न, ठीक है। तो इसका बनाना आपको क्या है, आपको कुछ एक ऑप्शन चूज करना है जो एक्टिव या पैसिव वॉइस में होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है कि सेवरल आइटम्स वर डिस्ट्रॉयड इन द रूम बाय द बर्गलर, इवन द कारपेट वॉज टोन, ठीक है। सेवरल आइटम्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द बर्गलर, इवन द कारपेट वॉज टोन इन द रूम, ये ठीक नहीं है। इंक्लूडिंग द कारपेट सेवरल आइटम्स इन द रूम हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द बर्गलर, ऐसा नहीं हो सकता, हैव बीन नहीं आ सकता, क्योंकि जो सेंटेंस आपको गिवन है वो पास्ट फॉर्म में है, तो हैव बीन यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है कि द बर्गलर बीन डिस्ट्रॉयड सेवरल आइटम्स इन द रूम, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही गलत है। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए, इसमें कहा जा रहा है कि सेवरल आइटम्स वर डिस्ट्रॉयड इन द रूम बाय द बर्गलर, इवन द कारपेट वॉज टोन, यही आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि कुछ आइटम्स या बहुत सारे आइटम्स डिस्ट्रॉयड कर दिए गए, किसके द्वारा, बर्गलर के द्वारा, और क्या हुआ, इवन कारपेट भी फाड़ दिया गया था, ठीक है। ये ही इसका राइट आंसर है, जो की में भी है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहां पर कहा जा रहा है कि ऑल दो द फॉसिल्स वर प्रिजर्व, प्लेंटोलॉजिस्ट वर अनेबल टू डैश द आइडेंटिफाई ऑफ द मैमल स्पीसीज। यहाँ पर क्या करना है, आपको एक स्पेस दिया गया है, इस स्पेस में 4 वर्ड्स में से कोई एक वर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को जरा ठीक से पढ़ते हैं हम लोग। इसमें कहा जा रहा है ऑल दो द फॉसिल्स वर ऑल दो द फॉसिल्स वर वेल प्रिजर्व, यानी कि जो जीवाश्म थे, फॉसिल्स थे, वो अच्छी तरीके से प्रिजर्व किए गए थे। प्लेंटोलॉजिस्ट ये कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो रिसर्च करते हैं किस पर, फॉसिल्स पर, ठीक है। वर अनेबल टू, नहीं पहचान, वर अनेबल टू मतलब कि अनेबल थे, किस चीज के लिए अनेबल थे, द आइडेंटिटी ऑफ द मैमल स्पीसीज, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी ऑफ द मैमल स्पीसीज को क्या करने के लिए अनेबल थे, आपको ये बताना था, डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है, असर्टेन करने के लिए, वायलेट करने के लिए, या इम्बेलिश करने के लिए। देखो इम्बेलिश क्या होता है, इम्बेलिश होता है सजाना, तो आप आइडेंटिटी ऑफ द मैमल स्पीसीज को सजाएंगे नहीं, ठीक है।
ऑप्शन सी कहता है वायलेट। वायलेट का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को, किसी रूल को ब्रेक कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर भी मेमल ऑफ मतलब स्पीसीज का उल्लंघन से कोई लेना देना नहीं है। अब डिस्प्ले का मतलब ये होता है दिखाना, तो दिखाना भी नहीं होगा इनको। एसर्टेन का मतलब होता है सुनिश्चित करना। तो एसर्टेन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आप ऑप्शन बी ही मार्क करेंगे जो कि की में भी है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि जो फॉसिल्स थे वो वेल प्रिजर्व थे। उसके बावजूद ये रिसर्चर्स जो रिसर्च कर रहे थे पर्सन्स, ये नहीं पहचान पाए। क्या नहीं पहचान पाए? द आइडेंटिटी ऑफ द मैमल स्पीसीज। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड सेलो। सेलो की करेक्ट प्लूरल फॉर्म आपको बतानी है। तो CELLOS इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड सेलो। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो कि आपका की में भी है। तो आगे बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन द क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवेन, ऑफ विच 2 वर्ड्स आर मोस्ट नियरली इन सेम इन मीनिंग। मार्क द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पहला वर्ड है हेक्टिक, दूसरा वर्ड है रिस्की, तीसरा वर्ड है परलियश एंड फोर्थ वर्ड इज स्टनिंग। ठीक है, और ऑप्शंस आपके पास क्या है? ए डी बी सी बी डी सी डी। ठीक है, तो देखो हेक्टिक, हेक्टिक का मतलब होता है कि कोई चीज आपके सर में दर्द बन जाए, है ना, या बहुत एक्सट्रीमली बिजी कह सकते हैं। फिर रिस्की, रिस्की यानी कि डेंजरस चीज होती है, जोखिम से भरी। परलियश, परलियश का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को देखकर चौंक जाएं, चकित कर देने वाला। और स्टनिंग, स्टनिंग तो जानते ही हैं आप लोग, स्टनिंग यानी कि स्टनिंग निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों में आ जाता है, लेकिन पॉजिटिव में हम ज्यादा यूज करते हैं कि स्टनिंग यानी कि कोई चीज आपको आश्चर्यचकित करे या देखने में खूबसूरत लगे, दैट इज कॉल्ड स्टनिंग। तो यहाँ पर बताना ये है कि सेम मीनिंग होना चाहिए। तो सेम मीनिंग आपको किसका दिखेगा? सेम मीनिंग आपको दिखेगा, सेम मीनिंग में यहाँ पर देखो हेक्टिक और स्टनिंग दोनों अलग अलग चीजें हो गई, क्योंकि हेक्टिक का मतलब होता है एक्सट्रीमली बिजी, और स्टनिंग यानी कि खूबसूरत भी हो सकती है या बहुत देखने में आपको अट्रैक्ट करने वाली चीज भी हो सकती है। तो ये दोनों चीजें तो बिल्कुल अलग हो गई। अब बात करते हैं रिस्की और पेरिलस की। सॉरी, ये पेरिलस नहीं है, ये पेरिलस है। तो रिस्की और पेरिलस हो सकते हैं, क्योंकि रिस्की भी वही होता है जोखिम से भरा हुआ, और पेरिलस होता है ये भी आपको चकित कर देने वाला होता है। तो ये दोनों चीजें आपस में कनेक्ट कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन हेक्टिक और स्टनिंग कनेक्ट नहीं कर रहा है। बाकी हेक्टिक और स्टनिंग बाकी भी किसी वर्ड से कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो रिस्की और पेरिलस कनेक्ट करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो कि की में भी है। तो जिन लोगों ने बी मार्क किया होगा वो मार्क्स पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहां पर कह रहे हैं कि शी ब्रोक द ग्लास डैश मैनी पीसेस। उसने ग्लास तोड़ दिया बहुत सारे पीसेस में। तो अब क्या आएगा मैनी के पहले? इनटू, इन टू फॉर्म। शी ब्रोक द ग्लास इनटू मैनी पीसेस होता है, ना कि इन मैनी पीसेस, ना कि टू मैनी पीसेस, ना कि फ्रॉम मैनी पीसेस। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, इनटू मैनी पीसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर कहा जा रहा है चेंज द वॉइस इन द गिवन सेंटेंसेस बिलो। हैज अ डॉग एवर बिटन यू? ठीक है, इसका आपको वॉइस चेंज करना है। तो देखो कैसे चेंज करेंगे। ऑप्शन ए कहता हैव यू एवर बीइंग बिटन बाय अ डॉग, आर यू बिटन बाय अ डॉग, हैव यू एवर बीन बिटन बाय अ डॉग, या हैज अ डॉग एवर बाइट्स यू। तो देखिए
हैव यू एवर बीइंग बिटन बाय अ डॉग या हैव यू एवर बीन बिटन बाय अ डॉग, ए और सी में से आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि आर हैज आर में नहीं चेंज होगा और हैज में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो बीइंग और बीन, देखो यहां पर बीइंग नहीं आएगा, ठीक है, प्रेजेंट जैसी कोई बात नहीं हो रही है। बीइंग तब यूज होता है जब इज एम आर बाज वर यूज होना हो, बट यहाँ पर हैव यूज हो रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, हैव यू एवर बीन बिटेन बाई अ डॉग। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कहा जा रहा है, अ रोबोट नीड्स मोर देन वन और डैश, ठीक है, वोट को चाहिए मोर देन वन, क्या चाहिए, और ओड ऑड, ठीक है, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको बताना है। तो देखिए जो ऑप्शन ए है ओ ए आर, तो ऑप्शन ए का मतलब होता है ये जो ओ ए आर है इसे और पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है, ठीक है, ये होता है यानी कि जिससे वोट चलाई जाती है, ठीक। ऑप्शन अगर हम बी की बात करते हैं ओ आर ई, तो ओ आर ई होता है किसी मेटल का एस, ठीक है, तो इसका यहाँ पर काम नहीं है। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑप्शन सी, तो ये होता है सोर्स या स्रोत बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर इसका भी काम नहीं है। और ऑड, ऑड यानी कि किसी चीज से कुछ अलग होता है तो उसे ऑड बोलते हैं, तो इसका भी यहाँ पर काम नहीं है। तो डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, जो कि ई में भी गिवन है, तो राइट आंसर है ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, सिलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, ठीक है, करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस आपको बताना है। माय फ्रेंड हु रिटायर्स दिस ईयर वांट्स टू लिव इन इटली और मेक्सिको, तो ऑप्शन ए कहता है माय फ्रेंड हु रिटायर्स दिस ईयर वांट्स टू लिव इन इटली और मेक्सिको, मेरा फ्रेंड जो इस साल रिटायर होगा वो कहाँ रहना चाहता है, वो इटली या मेक्सिको में रहना चाहता है। अब पंक्चुएशन का एरर क्या होता है कि कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब चीजें अपनी जगह पर राइटली प्लेस्ड होनी चाहिए। अब आप एक बात देखिए, ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में इटली के बाद में कॉमा लगा दिया और कॉमा के बाद और आया, तो इसलिए मैं ये ऑप्शन ए तो राइट आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं इस ऑप्शन बी की, माय फ्रेंड मेरा फ्रेंड जो रिटायर होने वाला है दिस ईयर वॉन्ट्स टू लिव इन इटली और मैक्सिको, ये ठीक लग रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं माई फ्रेंड हु रिटायर्स दिस ईयर वॉन्ट्स टू लिव, अब देखिए ऑप्शन सी में वॉन्ट्स टू लिव के बाद में क्या आ गया, वॉन्ट्स टू लिव के बाद में कॉमा आ गया, यहां पर कॉमा की जरूरत नहीं है। इटली के बाद फिर कॉमा आ गया, ठीक है, यहां पर भी हमें कॉमा की जरूरत नहीं है, इसलिए ये आपका जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर नहीं है। अब बात करते हैं कुछ ऑप्शन डी की, यहां पर क्या हो रहा है, माय फ्रेंड हु रिटायर्स दिस ईयर, अब देखो रिटायर्ड दिस ईयर के बाद में कॉमा आ गया, फिर वॉन्ट्स टू लिव के बाद में कॉमा आ गया, ये नहीं होना चाहिए। तो करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस जो हमें मिला है वो मिला है ऑप्शन बी में, ठीक है, माय फ्रेंड के बाद कॉमा आना चाहिए जो कि है वॉन्ट्स टू रिटायर दिस ईयर है, एंड सॉरी हु रिटायर्स दिस ईयर है, उसके बाद कॉमा ठीक है, वॉन्ट्स टू लिव इन इटली और मैक्सिको, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है इसे जरा करेक्ट करते हैं, ये वाला कॉमा ठीक था लेकिन वॉन्ट्स टू लिव के बाद जो कॉमा आया है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इज रॉन्ग आंसर और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन बी है इसका आंसर, जो कि की में भी गिवन है। अब बात करते हैं 15 की, अ पर्सन हु हैज एन अर्ज टू स्टील बट विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड, अच्छा यहाँ पर कह रहे हैं कि एक पर्सन जिसे अर्ज होता है चोरी करने का, लेकिन उसे ये नहीं होता है कि मुझे इस चोरी से कोई प्रॉफिट होगा, है ना, वो इंटेंशनली चोरी नहीं करता लेकिन बस उसका मन करता रहता है कि मैं चोरी कर लूं, ठीक है, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं क्लेप्टोमेनियक, जिन्हें चोरी करने का अर्ज होता है,
ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को क्लेप्टोमेनिया कहते हैं, जिन्हें चोरी करने की लालसा होती है बट उस चोरी से उन्हें कोई ऐसा खास प्रॉफिट नहीं दिख रहा होता है। वो लाख समझाते हैं कि हम चोरी नहीं करेंगे लेकिन उनका मन नहीं मानता है। चलते हैं नेक्स्ट आंसर की तरफ। गिव द वन वर्ड फॉर द कस्टम और प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट सेम टाइम। अच्छा, जब कोई औरत एक समय पर एक से ज्यादा हस्बैंड, मतलब इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे कि एक औरत के एक समय पर एक से ज्यादा हस्बैंड है या वो एक से ज्यादा शादियां कर लेती है, उस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं? पॉलीगाइनी, पॉलीफोनी, पॉलियंड्री, पॉलीक्रोमी, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पॉलियंड्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। यहां पर कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन से ऐसे वर्ड की स्पेलिंग सही है वो वर्ड आपको यहां पर छांटना है। तो देखते हैं, सर्विलांस, ऑप्शन ए, SURVILANCE, सर्विलांस ये नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन बी, SURVEIELLANCE, ऑप्शन सी, VEI, ऑप्शन सी में क्या हो रहा है? डबल एल के बाद ई दिया जा रहा है जो कि गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है? एल सिंगल है, ये गलत है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, VEI होता है। ऑप्शन ए में क्या हो रहा है कि ई नहीं दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। यहां पर क्या हो रहा है? राइट अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। ठीक है, आप किसी की फीलिंग्स को समझते हैं और शेयर करते हैं, उस एबिलिटी को क्या कहते हैं? सिंपैथी, एपैथी, पिथी या इम्पैथी, क्या कहते हैं ये आपको बताना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। क्यों? देखो, सिंपैथी क्या होता है? सिंपैथी में क्या होगा कि मैं आपकी भावनाओं को बस समझूंगी, जो आप मुझे बताएंगे मैं सुनती जाऊंगी और कह दूंगी हाँ 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 आपके साथ सही हुआ या आपके साथ गलत हुआ। ठीक है, इम्पैथी क्या है? इम्पैथी में, इम्पैथी होता है कि मैं फील कर सकती हूँ कि आपके साथ क्या हो रहा होगा उस टाइम, या आप मुझसे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिस एबिलिटी की बात हो रही है वो ऑप्शन डी में हमको मिलेगा, इम्पैथी। एपथी क्या होता है? एपथी होता है कि न्यूट्रल हो जाऊं, उदासीन हो जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके साथ क्या हुआ। तो यहाँ पर ये राइट आंसर नहीं होगा। पिथी, पिथी क्या होता है? यहाँ पर होता है कि कम शब्दों में आप अपनी बात को कंप्लीट कर देते हैं, कम शब्दों में बात करना है ना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। द स्पीकर एक्सप्रेस्ड हिज डैश टू हिज सीनियर्स डैश फॉर इंसल्टिंग हिज सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, स्पीकर ने एक्सप्रेस किया, क्या एक्सप्रेस किया? अपना इंटरेस्ट या लाइकिंग या अवर्जन या व्यूज। ठीक है, क्या है? अच्छा, किसको एक्सप्रेस किया? अपने सीनियर को एक्सप्रेस किया, डैश किस लिए किया? फॉर इंसल्टिंग हिज सबॉर्डिनेट्स, अपने सबॉर्डिनेट की इंसल्ट के लिए उसने कुछ एक्सप्रेस किया होगा, इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया होगा। इंसल्ट में इंटरेस्ट एक्सप्रेस करने जैसी कोई बात नहीं होती है, तो इसलिए ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। लाइकिंग, अब इंसल्ट में लाइकिंग की भी कोई बात नहीं होती है, किसी को अच्छा नहीं लगता है इंसल्ट, तो लाइकिंग भी नहीं होगा। अब बचा क्या? अब बचा आपके पास अवर्जन है ना या व्यू। अब या तो इंसल्ट करने पर दो काम हो सकते हैं, या आप किसी की इंसल्ट हो रही है तो वहां पर आप अपना कोई व्यू दे सकते हैं।
या आप दे सकते हैं अवर्जन। अवर्जन का मतलब होता है घृणा, आपको वो चीज अच्छी नहीं लगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी कुछ ज्यादा सिमिलर लग रहा है, लेकिन आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, व्यू के साथ आ रहा है ड्यूटी, टू हिज सीनियर्स ड्यूटी। अब सीनियर की ड्यूटी थोड़ी ना है, है ना, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे। द स्पीकर एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज, स्पीकर ने अपना व्यू एक्सप्रेस किया टू हिज सीनियर्स ड्यूटी, है ना। ये उसके सीनियर का कर्तव्य नहीं है कि वो अपने सबॉर्डिनेट की इंसल्ट करे, तो इसलिए ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा। अब जाएंगे किसके साथ हम लोग, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ कि स्पीकर ने घृणा करी, है ना, अपनी घृणा को एक्सप्रेस किया टू हिज सीनियर्स। अब सीनियर की क्या है, पेंशेंट, पेंशेंट होता है प्रवृत्ति, ये उसके सीनियर की आदत थी, ना कि ड्यूटी थी कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स की इंसल्ट करता रहता था, है ना, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, यहां पर देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। चूज द स्टेटमेंट्स वेयर द अंडरलाइंड वर्ड इज यूज्ड करेक्टली, ठीक है। अ प्रोन इज ड्राइड प्लम, नेक्स्ट ही वॉज लाइंग प्रोन ऑन द फ्लोर, नेक्स्ट पीपल हु एट अ लॉट ऑफ फैट आर प्रोन टू हार्ट डिसीज, नेक्स्ट ही इज रादर प्रोन टू मेकिंग टैक्टलेस रिमार्क्स। अब आपको बताना ये है कि ये जो वर्ड है प्रोन, ये कहां पर करेक्टली यूज्ड हुआ है। ऑप्शन ए में आपके पास है बी सी डी, ऑप्शन बी में है ए बी सी, ऑप्शन सी में है डी सी ए और ऑप्शन डी में है ए बी डी। देखिए बी सी डी, ऑप्शन ए ही वॉज लाइंग प्रोन ऑन द फ्लोर, ठीक है, प्रोन यहां पर बिल्कुल सही है कि वो जमीन पर एकदम, अभी जब ये कोरोना आया होगा तो प्रोनिंग वर्ड बहुत आप लोगों को फैमिलियर होगा, हो गया होगा कि पेट के बल लेट जाते हैं तो उसे प्रोन कहते हैं, ठीक है, तो सही है। यहाँ पर सी में देखिए, पीपल हु ईट अ लॉट ऑफ फैट आर प्रोन टू हार्ट डिसीज, ठीक है, जो लोग ज्यादा फैटी चीजें कंज्यूम करते हैं वो प्रोन हो जाते हैं हार्ट डिसीज के लिए। यहाँ पर प्रोन का मतलब ये है कि उन्हें हार्ट डिसीज जल्दी कैप्चर कर लेती हैं। डी में क्या, ही इज रेदर प्रोन टू मेकिंग टैक्टलेस रिमार्क्स, तो यहाँ पर उसे आदत है फालतू की बात करने की, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स इन प्रॉपर सीक्वेंस टू ऑब्टेन अ करेक्ट सेंटेंस। ये जो आपको चार पार्ट्स दिए गए हैं, इन्हें आपको रीअरेंज करना है सो दैट कि एक करेक्ट सेंटेंस बन पाए। बी नॉट से तो शुरू नहीं होगा, तो जो वन से शुरू हो रहा है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ठीक है। ऑलवेज बी, अब ऑलवेज बी से क्या शुरू हो सकता है, अगर हम क्वेश्चन नंबर मतलब ये जो सेंटेंस सेकंड है वहां से देखते हैं, या आप ऑप्शन से देखो, आपने वन से शुरू नहीं किया, दैट मींस कि आपने ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दिया। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं, होम से नहीं, होम यू वॉन्ट टू, अगर थ्री से हम शुरू करते हैं तो क्या आ रहा है, होम यू वॉन्ट टू अदर्स वॉन्ट टू सी, थ्री फोर का सीक्वेंस नहीं बन रहा है, होम यू वॉन्ट टू अदर्स वॉन्ट टू सी, इसलिए ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, यहां देखिए ऑलवेज बी, हमेशा वो बनिए, ठीक है, होम यू वॉन्ट टू, जिसे आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं, होम यू वॉन्ट टू बी, नॉट वॉट अदर्स वॉन्ट टू, होम यू वॉन्ट, देखो फिर से पढ़ते हैं, ऑलवेज बी, हमेशा वो बनो, क्या कैसे बनो, होम यू वॉन्ट टू, जो तुम चाहते हो, होम यू वॉन्ट टू बी, जैसा तुम बनना चाहते हो, नॉट वॉट, ना कि वो बनो। अच्छा कैसे ना बनो, कैसे ना बनो,
जैसा कि दूसरे लोग चाहते हैं, अदर्स वॉन्ट टू सी। इसलिए 2, 3, 1, 4 का सीक्वेंस बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हमेशा वो बनिए जैसा आप बनना चाहते हैं, ना कि वो बनिए जैसा कि दूसरे आपको देखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरह। यहाँ पर कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। इट वॉज सैम हु पेड फॉर द ड्रिंक्स। ठीक है, सिंपल है, सिंपल नहीं है। सिंपल होता तो यहाँ पर सीधी बात कह दी जाती कि सेम पेड फॉर द ड्रिंक्स। कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव भी नहीं है, कंपाउंड भी नहीं है। कंपाउंड में दो सेंटेंस ज्वाइंट होते हैं, तो इसलिए क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है। सीधी बात को इन्होंने थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया कि अरे ये सैम था जिसने पे किया। सीधी बात कहनी थी इनको कि सैम पेड फॉर द ड्रिंक्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। चेंज द स्पीच। अब स्पीच आपको चेंज करनी है। क्या है स्पीच? शी सेड टू हर मदर। उसने अपनी माँ से कहा प्लीज इंक्रीज माई पॉकेट मनी। अच्छा ठीक है, प्लीज किस में चेंज हो जाता है? प्लीज रिक्वेस्ट में चेंज हो जाता है। तो सीधी सी बात है, आपको सारे ऑप्शन देखते से ही एलिमिनेट कर देने हैं। रिक्वेस्ट किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में आ रहा है। शी रिक्वेस्टेड हर मदर टू इंक्रीज हर पॉकेट मनी। बहुत इजी था, देख के ही ऑप्शंस आपको एलिमिनेट कर देने थे। क्वेश्चन नंबर 24। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड ग्रॉस। ग्रॉस का सिनोनिम आपको बताना है। कॉमन, शेमलेस, एंग्री, सिंसियर। तो देखिए क्या है इसका। कॉमन, कॉमन यानी कि कॉमन तो आप सभी जानते हैं ना कि कॉमन क्या होता है, जो सब जगह है वो कॉमन है। अच्छा, शेमलेस, शेमलेस यानी कि जिसे शर्म नहीं आती है या थोड़ा सा निर्भीक टाइप का जो होता है। एंग्री, एंग्री जो गुस्सा करते हैं, और सिंसियर, सिंसियर जो समझदार होते हैं। तो यहां पर ग्रॉस का जो सिनोनेम है वो है शेमलेस। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ग्रॉस भी वही लोग होते हैं जो झिझकते नहीं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। यहाँ पर कहा जा रहा है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोस। क्या है? पॉलिसी मेकर्स मस्ट कन्फ्रंट द डिलेमा। अच्छा देखो क्या करना होता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फिर इसको ढूंढते हुए आप पैसेज रीड करिए। क्या कह रहे हैं? द पैसेज इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द करेंट कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हमसे पूछी जा रही है वो इलेक्ट्रिसिटी की करंट कॉस्ट जो जनरेट हो रही है उससे रिलेटेड कुछ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको बस अब यही बात ढूंढनी है। तो कैसे ढूंढेंगे? पॉलिसी मेकर्स मस्ट कन्फ्रंट द डिलेमा दैट फॉसिल फ्यूल्स कंटिन्यू टू बी एन इंडिस्पेंसेबल सोर्स ऑफ एनर्जी इवन दो बर्निंग देम प्रोड्यूसेस एटमॉस्फेरिक accumulations of carbon dioxide that increase the likelihood of potentially disastrous global climate change। ठीक है, यहाँ पर मतलब इन्होंने कुछ ऐसी बात कही है कि जो ये fossil fuels हैं इनसे क्या हो रहा है, carbon dioxide produce हो रही है और climate चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी कुछ चीजें बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एक एक शब्द को आपको यहाँ पर ट्रांसलेट करने के नंबर नहीं मिलेंगे, तो इसलिए बस समझ लीजिए कि क्या बात हो रही है। अब आगे चलते हैं। करेंटली टेक्नोलॉजी दैट वुड कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड बाय पावर प्लांट्स एंड सिक्वेस्टर इट हार्मलेसली अंडरग्राउंड और अंडर सी इंटेंड ऑफ रिलीजिंग इट इन टू द एटमोसफेयर माइट डबल द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कुछ बात हो रही है। ठीक है, क्या बात हो रही है? देखो क्या बात हो रही है, करेंटली टेक्नोलॉजी दैट वुड कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड बाय पावर, ठीक है,
प्लांट्स एमिटेड बाय पावर प्लांट्स एंड सिक्वेस्टर इट हार्मलेसली अंडरग्राउंड और अंडर सी इंस्टीड ऑफ रिलीजिंग इट इनटू एटमॉस्फेयर माइट डबल द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इन्होंने कहा है कि इस समय जो टेक्नोलॉजी है दैट वुड कैप्चर, जो कैप्चर कर लेगी कार्बन डाइऑक्साइड को जो निकलती है कहाँ से, पावर प्लांट से और सिक्वेस्टर से, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, अंडरग्राउंड होती जा रही है, जबकि क्या होना चाहिए, इसको डबल हो जाना चाहिए, ठीक है, एटमॉस्फेयर में आना चाहिए, इनटू द एटमॉस्फेयर माइट डबल द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखो, बट बिकॉज सिक्वेस्ट्रेशन डज नॉट एफेक्ट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिलीवर्ड प्राइस विल राइज लेस बाय नो मोर देन 50%। रिसर्च इन टू बेटर टेक्नोलॉजी फॉर कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड विल अनडाउटली लीड टू लोअर कॉस्ट, ठीक है। इन्होंने मतलब बात ये की है कि जो टेक्नोलॉजी है कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने वाली, ये क्या हो रही है, ये कम होती जा रही है, जिससे जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जनरेट हो रही है वो डबल हो रही है। अब ऑप्शन देखो, इट इज हायर देन इट वुड, ऑप्शन ए कह रहा है इट इज हायर देन इट वुड बी इफ बेटर टेक्नोलॉजीज फॉर कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड वर अवेलेबल, ठीक है। इट इज समवॉट लेस देन द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है इट कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द डिलीवर्ड प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है इट इज ड्वेल्ट ऑन बाय पॉलिसी मेकर्स टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर कॉस्ट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिसिटी डिलीवरी, ठीक है। देखो, ऑप्शन डी जैसी तो कोई बात ही यहाँ पर नहीं हो रही है, तो ऑप्शन डी तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इट कॉन्स्टिट्यूट्स हाफ ऑफ द डिलीवर्ड, हाफ ऑफ द डिलीवर्ड जैसी कोई बात भी और पूरे पैसेज में कहीं नहीं हुई। अब या तो ये होगा ऑप्शन ए या तो होगा ऑप्शन बी। अब इसमें से क्या होगा इसको समझ लो। आगे इन्होंने कहा है कि बिकॉज दिस सिक्वेस्ट्रेशन डज नॉट एफेक्ट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, ठीक है। ये सिक्वेस्ट्रेशन है, ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन की कॉस्ट को एफेक्ट नहीं करता है, अच्छा, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन को भी एफेक्ट नहीं करता है। डिलीवर्ड प्राइस विल राइज लेस, और जो डिलीवर्ड प्राइस है वो थोड़े से बढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, लगभग लगभग 50%, ठीक है। ऐसी कुछ बात इन्होंने कही है, यही बात यहाँ पर कहने वाली है कि इट इज समवॉट लेस देन द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन बी की बात यहाँ पर हो रही है कि जो कॉस्ट है वो कम हो रही है ना, जितनी हमको चाहिए उससे भी 50% तक कॉस्ट कम हो रही है, यही बात आपको बतानी थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।